Now, in a development which has left the government and investigating agencies red-faced, one of the most wanted fugitives on the list given by India to Pakistan has been found living in Thane near Mumbai, a stone's throw from a police station. Wazhul Kamar Khan, an accused in the 2003 Mulan blast case, spoke exclusively to Times Now. The man who, according to the Indian government's dossier, is a fugitive, is on the run, and against whom there's a red corner notice, joins me right now to tell me that none of that is true. Khan bhai, thank you for talking to me. आप मुझे पहले ये बात बताइए कि आपको डॉसियर के बारे में हमने बताया. आपका नेम इन इंडियाज टॉप 50 मोस्ट वांटेड के लिस्ट में है. आप कब से अपने घर में रह रहे हैं, कब से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कब से कोर्ट हियरिंग्स में हैं? आप ये आपकी ऑन दी रन होने की बात जो है ये कितनी गलत है? तकरीबन मैं अब्सकॉन्डिंग रहा, ये 8 साल का पीरियड जो है मैं मुंबई में रहा. तो पुलिस को अरेस्ट होने के बाद मैंने पूरी डिटेल्स दी कि मैं कहाँ कहाँ रहा, कैसे कैसे मैंने बिजनेस किया. और पुलिस ने भी उस जगह की मतलब पूरी इंक्वायरी की कि मतलब एक्चुअली मैं वहाँ था कि नहीं था. तो पोस्ट पीरियड में एग्रीमेंट्स हुए मेरे, जो मतलब जो कारखाने के जो मालिक थे उसके एग्रीमेंट्स हुए. तो उस दौरान तो मैं फिर अरेस्ट होने के बाद तो ऐसा हुआ, उसके बाद अरेस्ट होने के बाद मैं तकरीबन 3 महीने के बाद रिलीज़ हो गया ऑन बेल. और उसके बाद से मैं अपना एक बिज़नेस चला रहा हूँ और मैं जब से यहीं पर मुंबई में हूँ, थाने में, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मैं यहीं पर हूँ जी. आज सुबह जब ये खबर बाहर आई कि आप एब्सकॉन्डिंग नहीं हैं, आप यहीं मुंबई में आउटस्कर्ट्स थाने में रह रहे हैं, उसके बाद पुलिस के तरफ से आपको बुलाया गया पुलिस स्टेशन, आपको फ़ोन आया, या आप खुद से गए, या आपको उठाने के लिए आए? नहीं, पुलिस उठाने के लिए तो नहीं आई, लेकिन पुलिस का ये था कि आप एक स्टेटमेंट दीजिए, नॉर्मली स्टेटमेंट. मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट दिया उनके पास, और कुछ नहीं है, कोई हैरेसमेंट नहीं रहा, पुलिस का कोई हैरेसमेंट नहीं था, सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट था खाली. पर वज़रून भाई, ये स्टेटमेंट में क्या क्या बताया आपने, क्या क्या पूछा उन्होंने? स्टेटमेंट में यही पूछा कि आप कहाँ रहे, किधर रहे, बेल हुई कि नहीं रही, फिर वही सारी बातें, फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरी किया मतलब उसमें. आप मुझे ये बात बताइए, जो बात है कि आप पाकिस्तान बहुत सारे लिंक्स आपके पाकिस्तान के बारे में बताए गए हैं, आपने कभी भी पाकिस्तान में कोई भी ट्रिप कभी भी गए हैं? नेवर, कभी नहीं, ना ही मेरी फैमिली का कोई बनता गया, ना ही मैं गया हूँ कभी. और ये 5 ब्लास्ट में जो आपको अक्यूज बनाया गया है, आप मुझे ये ज़रा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली एविडेंस क्या है आपके बारे में? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि शायद आपके बारे में, आपके अगेंस्ट बहुत नेग्लिजिबल एविडेंस है, और इनफैक्ट जज ने भी ये बात कही है कोर्ट में. जी जी जी, जैसा आपने कही कि मतलब आपको लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि मतलब आपको डिस्चार्ज देंगे, और जज ने, कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जब तक आपको नोटिस नहीं जाएगी आपको कोर्ट में हेयरिंग में आना नहीं है, मतलब कोर्ट में तारीख पे नहीं आना है, मतलब इस तरह की बात भी हुई है अभी लास्ट हेयरिंग में. जी, और आप मुझे ये बताएं कि एज फार एज ATS और क्राइम ब्रांच कंसर्न है, क्या उन्हें बिल्कुल कंप्लीट सही आइडिया था कि आप यहीं पे रहते, या किस कोई भी मिसकम्युनिकेशन था आपके या उनके बीच में कि आपने वहाँ पर अपीयरेंस नहीं दिया, या उनको पता नहीं था कि आप कहाँ पर हैं? नहीं, मोस्ट ऑफली ऐसे ही होगा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ. बाद में उनको टिप हुआ कहीं से और मुझे अरेस्ट हो गया, मतलब लास्ट. नहीं, मैं उस समय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ. मैं अभी की बात कर रही हूँ कि आपकी, जब आपने 90 डेज कस्टडी में स्पेंड किया, आप बेल पर बाहर आए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि क्राइम ब्रांच या ATS या मुंबई पुलिस को इस बात की खबर नहीं थी? नहीं, वो मिलते रहे मुझे, ऑफिसर से कोर्ट में भी मिलते रहे, और ATS तो अपने थाना के अंदर ही, थाने ATS है, और मैक्सिमम टाइम तो मैं उनसे खुद ही मिलते रहता हूँ, मतलब आते जाते, क्योंकि मेरे घर के पास ही है, मतलब उनका, उनकी मतलब पुलिस स्टेशन जो है मेरे घर के पास है, तो उनसे मुलाकात तो होती रहती है मेरी कभी ना कभी. आप किस किस एजेंसीज के ऑफिसर से मिल रहे थे? आपने ATS ऑफिसर से मिले हैं, आप क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से? जी जी, बस दीछे सिर्फ ATS के ऑफिसर से और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से, और दूसरे एजेंसी से नहीं मिला मैं कभी. और कब से मिल रहे हैं आप इन लोगों से? आफ्टर बेल मैं मिल रहा हूँ उनसे. तो जी, मैं ये समझूं कि पिछले 7-8 महीने से आप उनसे मिल रहे हैं, और ये जो लिस्ट है वो 1 महीने पहले बनी, ऐसा आज होम मिनिस्टर साहब ने बोला. तो फिर कितनी बड़ी गलती हुई है उनके हाथों से? तो टेक्निकल फेलियर है, मतलब मैं अभी क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में, गलती तो जो भी हुई वो फेलियर ही उनका मैडम, लेकिन आप लोगों के साथ क्लियरेंस हो रहा है, जो भी है मेरे लिए बेहतर है जो भी है. और आज जितना प्रॉब्लम हुआ है, या आप जो मुझे ये बात बता रहे थे कि आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए जो हैरेसमेंट हो रही है, उस बारे में आप मुझे बताएं.
अभी अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफ हुई हमारे फैमिली को। अभी मेरी वाइफ तो हॉस्पिटलाइज हो गई आज के मैटर से, अभी मतलब आप खुद भी गए होंगे देखे होंगे हॉस्पिटलाइज हो गई, और मैं कितना मुझे डिप्रेशन हुआ मतलब मैं खुद जान सकता हूँ। तकरीबन मैं तो सब 8 साल से झेलते आया मैडम, और आज मतलब थोड़ा सा फ्रीली मैं सोचा कि कुछ काम करूँ तो फिर से मुझे से एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया ना यार, तो बहुत बहुत सारा मतलब मुझे बहुत तकलीफ है मैडम इस चीज़ की। आपके बिजनेस में किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है ये सारी चीज़ों की वजह से? तो कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इफेक्टिव हो सकता है, मतलब इसमें इस मैटर को लेके आगे हो सकता है इफेक्टिव हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, आपने मुझे बताया कि क्राइम ब्रांच और ATS ऑफिसर से आप मिलते रहे हैं कोर्ट में रेगुलरली इन रीसेंट टाइम्स, आप नाम अगर ले सकते हैं तो आप किन किन ऑफिसर से मिल रहे थे, किन को पता था कि आप यहीं पर हैं? सारे ऑफिसर्स मैडम, तकरीबन सारे ऑफिसर्स, अभी नहीं नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों से मिला मैंने। आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ATS और क्राइम ब्रांच में उनसे भी मिल रहे थे? एकदम ही सीनियर से तो नहीं मिला था, कि जो ACP लेवल के नहीं है, जो तो किस लेवल के ऑफिसर से मिल रहे थे? PI वगैरह जो हैं, मतलब इंस्पेक्टर लेवल के, जो उनसे मिल रहा था मैं तकरीबन। तो उनको ये पूरा आइडिया था कि आप यहाँ थाने में रहे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आइडिया उनको, जी बिल्कुल आइडिया है, और मुलाकात भी होती है उनसे कभी कभी, तो उनको तो आइडिया है ही है मुझे तुम्हारे में। फिर आप आज जब आप उनकी कस्टडी में थे सुबह में, जब आप अपनी आप स्टेटमेंट दे रहे थे, आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, वो उन्होंने आपको बुलाया, ठीक है मैं मानती हूँ आप कस्टडी में नहीं थे, आप स्टेटमेंट दे रहे थे, उस वक्त आपने क्या ये सवाल करके उनसे पूछा नहीं कि ये क्यों किया गया? नहीं, वो लोग खुद भी इस पे शर्मिंदा था कि ये थोड़ा है प्रॉब्लम, मतलब अपने दोनों समझ रहे, वहाँ से सेक्रेटरी लेवल से हुआ प्रॉब्लम, वो तो जान रहे थे, हम उससे भी कह रहे थे कि मतलब ये प्रॉब्लम वहाँ से हो गया है, सेक्रेटरी लेवल से हाई लेवल से हुआ है। तो उन्होंने ये बात मानी कि गलती हुई है? हाँ, वो लोगों ने तो अपनी जुबानी तो अभी पर्सनली ऐसा कुछ कहा नहीं, पर्सनली ऐसा बोला, उनकी राय थी पर्सनल राय कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली तो कुछ मुझे बोला नहीं उन्होंने ऐसा कुछ, पर्सनली मुझे तो ऑफिशियली नहीं बोला वहाँ पर कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, लेकिन अभी मीडिया पे तो मतलब अभी सारे स्टेटमेंट आ गए कि मतलब गलत है ये सब बात। और आपको कल परसों ऐसा किसी दिन बुलाया गया है वापस पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं बुलाया गया। आज के स्टेटमेंट के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस? नहीं, इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया से दूर रहें। ऐसा पुलिस ने आपको बोला है कि मीडिया से दूर रहना चाहिए? क्यों तो रहना भी चाहिए, मुझे भी खुद हैरेसमेंट है मतलब मीडिया से दूर रहने की, ऐसा मीडिया मेरे लिए तो मतलब मेरे लिए पॉजिटिव है मैडम, क्योंकि ये सब क्लियर हो जाएगा मीडिया के थ्रू, लेकिन मुझे थोड़ा खौफ है कि मतलब ये चीज़ का मतलब इतने दिन खौफ झेला, फिर से खौफ एक पैदा हो गया मुझे नया, ये बात है। और आप होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, कोई एविडेंस नहीं है और मेरा कुछ है नहीं मैडम, इसमें रोल ही नहीं है, तो फिर डिस्चार्ज होना भी चाहिए मुझे, अगर मेरा रोल होता तो फिर मैं जिम्मेदार होता तो फिर कोई भी सज़ा झेलने के लिए मैं तैयार था मैडम, अगर मेरा रोल अगर है तो सज़ा देने के लिए तैयार हूँ मैडम, अगर रोल नहीं है तो मुझे तुरंत डिस्चार्ज चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए मुझे। आपको बड़ी अजीब सी बात नहीं लगी कि आप इतने महीने से कोर्ट जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ATS और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को मिल रहे हैं, उसके बाद आपका नाम इस लिस्ट में आता है? अब उनके लेवल से तो ऐसा नहीं हुआ है, मतलब ये तो ऊपर हाई प्रोफाइल लेवल से हुआ है, शायद वो टेक्निकल कुछ होगा खराबी से, जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, अब यहाँ के लोग तो जान रहे थे, अब वो क्लियरेंस कैसे होगा मतलब, क्योंकि ये सब मैं नहीं जान सकता मैडम कि क्यों हुआ ऐसा, लेकिन जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ मतलब ऐसा है। That was Mr. Wazul Qamar Khan telling us that even the Mumbai police told him while he was giving his statement to them that they were extremely ashamed about the goof up and that they hope that something of this sort will never be repeated. In Thane, Vishalendra Bhatt, Megha Prasad for Times Now.